हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने टेरेस गार्डन के गुलदाउदी, क्रिसेंथेमम या शेवंती के प्लांट शेयर करूंगी, जो इन दिनों भरपूर फूलों से लदे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। पत्तियाँ नहीं दिखती, केवल फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट को दिखाना चाह रही थी। इसमें देखिए, इस तरह से स्टॉक निकले हैं और इसमें कलियाँ बनी हुई हैं और फूल भी खिल रहे हैं। काफ़ी सालों से ये सेंसेवेरिया का प्लांट मेरे पास में है, लेकिन इसमें कभी फूल ऐसा खिले नहीं। ये पहली बार खिल रहा है, मेरे लिए नई बात है। आप सबके प्लांट में भी क्या इस तरह से फूल खिलते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मेरे टेरेस पे चलते हैं। और ये है मेरे टेरेस पे लगे हुए क्रिसेंथेमम, गुलदाउदी या शेवंती के प्लांट। देखिए कितने रंग बिरंगी फूल खिले हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इन्हीं सभी प्लांट्स को मैंने अपने पिछले साल के गुलदाउदी प्लांट की जो कटिंग है उससे ग्रो किए हैं। बहुत सारे इसमें और कलर थे जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद वो प्लांट्स पहले ही ख़राब हो गए होंगे। इस साल मैं कुछ और नई वेराइटी वाले शेवंती के प्लांट लेना चाहती थी, लेकिन अभी तक मैं वो नहीं ला पाई हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं पिछले 20-22 सालों से अपने गार्डन में क्रिसेंथेमम ग्रो करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की समझ नहीं थी, तब भी मैं क्रिसेंथेमम जरूर ग्रो करती थी, क्योंकि ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्लांट्स की नर्सरियाँ भी नहीं हुआ करती थी, तो हम अड़ोस पड़ोस फ्रेंड सर्कल से कटिंग एक्सचेंज करके ही गुलदाउदी को लगाया करते थे। तब सीजनल प्लांट के रूप में बहुत थोड़े प्लांट ही मिलते थे, जैसे गेंदा और ये गुलदाउदी वगैरह ही रहते थे, तो उन्हीं को हम लगाते थे। जुलाई के महीने में मैं पहले साल के जो क्रिसेंथेमम के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वाली 3 से 5 इंच की कटिंग लेकर उसे मैं डायरेक्ट उसी प्लांटर में ग्रो करती हूँ जिसमें उसे रखना है। कटिंग के थ्रू पहले छोटी पौध तैयार करके भी उसे रिपॉट कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और अक्टूबर महीने के आते आते इनमें कलियाँ बनने लगती हैं। इस साल थोड़े लेट से कलियाँ बनी और फूल खिले, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी बारिश होती रही हमारे यहाँ, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही थी और इंसेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी लग रहे थे। और फिर जैसे ही मौसम खुला और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, इसने अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी और फिर देखिए ऐसे ढेरों फूल खिले हैं। मन एकदम खुश हो जाता है देखकर, जब सुबह सुबह छत पे आओ ना तब। इनको ग्रो करने के लिए मैं जो मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें पहले से ही अच्छे से फर्टिलाइज़र मिलाती हूँ। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली और अगर बोन डस्ट हो तो वो भी डाल देती हूँ। सारी चीज़ें मिलाकर मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। बारिश के पहले ही मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पुराने गमले की मिट्टी में ये सारी चीज़ें मिलाकर सूखी मिट्टी ही बोरे में भरकर रख लेती हूँ। उस पर मेरा एक वीडियो भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि मैं मिट्टी कैसे तैयार करके रख लेती हूँ। और फिर ज़रूरत के हिसाब से गमले तैयार करते समय इसी मिट्टी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग वाले प्लांट है तो इनको फर्टिलाइज़र थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और जब इसमें कलियाँ बनने लगती है तब मैं इसमें एक बार और फर्टिलाइज़र मिलाती हूँ। और फर्टिलाइज़र का मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, मेरे पास जब जो अवेलेबल रहता है मैं वही डालती हूँ, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, अगर बोन डस्ट होती है तो फूलों वाले प्लांट में मैं वो भी डालती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड खाद बनाया सरसों खली की तो वो भी डाल देती हूँ, तो ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है। जब जैसे सुविधा होती है मैं वैसा ही करती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मैं 15-20 दिनों में कोई भी कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करती हूँ तो उसमें मेरी आदत है, मैं उसमें 1/4 चम्मच सुपर सोनाटा ज़रूर मिला के स्प्रे करती हूँ। उससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसे स्ट्रेंथ मिलती है पौधे को। गुलाब वगैरह में तो जादू सा काम करता है, तो मेरी आदत है चाहे वो कोई भी प्लांट हो, जब भी मैं स्प्रे करती हूँ उसमें वही 1/4 चम्मच सुपर सोनाटा मिला के स्प्रे करती हूँ, तो उससे मैं देखती हूँ पौधों की हेल्थ ना बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि गुलदाउदी को खिलने के लिए बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट को धूप चाहिए होती है, तो इसलिए मैं इनको छत पर ही ग्रो करती हूँ। और मतलब कटिंग से लेके जब खिलने तक मैं इनको छत पर ही रखती हूँ। जब ये पूरी तरह खिल जाते हैं तब मैं इनमें से कुछ गमले ले जाकर नीचे गार्डन में रखती हूँ सजाने के लिए।
और जब इनकी कटिंग को मैं ग्रो करती हूँ ना, तो जब प्लांट को देख के लगता है कि अब ये ग्रो होने लग गई हैं, बढ़ने लग गई हैं, तब से मैं इनकी पिंचिंग करती हूँ। 3 से 4 बार मैं इसके प्लांट की पिंचिंग करती हूँ। पिंचिंग करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं, तो जब ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं तो फिर उसमें कलियाँ भी ज़्यादा बनती हैं, फूल भी ज़्यादा खिलते हैं। और जब मैं पुराने प्लांट से कटिंग लेकर कटिंग ग्रो करती हूँ, तो नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ना, जड़ समेत, उसको मैं गमले से अलग कर लेती हूँ। और उनको फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे गेट के बाहर ना जड़ समेत मैं इस तरह से यहाँ इसको छोड़ देती हूँ। तो वो टाइम बारिश का रहता है तो ये प्लांट्स यहाँ अपने आप ही जड़ पकड़ लेते हैं, मतलब यहाँ जो थोड़ी बहुत इनको मिट्टी मिल जाती है उसी में ये ग्रो हो जाते हैं। और देखिए अपने मौसम के साथ में यहाँ ये फिर फ्लावरिंग भी करते हैं, तो मेरे घर के मतलब गेट के बाहर भी इस तरह से ये फूल खिले रहते हैं। तो हर साल तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग यहाँ से तोड़ लेते हैं पूजा के लिए, पर इस बार ऐसा हुआ कि किसी ने नहीं तोड़ा अभी तक, तो ये अच्छे से मेरे घर के बाहर में खिले हुए हैं। इनको मैं बीच बीच में फर्टिलाइज़र देती हूँ थोड़ा बहुत, और जब मैं पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करती हूँ तो ये जो गेट के बाहर मेरे लगे हुए प्लांट हैं इनमें भी मैं थोड़ा बहुत स्प्रे कर देती हूँ, जिससे ये इंसेक्ट से बचे रहे। लेकिन देखिए बाहर भी ये इतने अच्छे से खिलते हैं। विंटर प्लांट में गुलदाउदी या क्रिसेंथेमम मेरा एक फेवरेट प्लांट है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो गुलदाउदी के बारे में मैं यही सब आपसे शेयर करना चाहती थी इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।